आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में मची कलह के बीच सोनिया गांधी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी से इस्तीफा चाहते हैं और ऐसे में सोनिया गांधी इस्तीफा देना नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह मची है। उधर गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतने की तैयारी बीजेपी ने जोरों शोरों से कर दी है, तो क्या कांग्रेस आपसी कलह के चलते गुजरात और हिमाचल चुनाव भी हार जाएगी? और ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या सोनिया गांधी अपने पद से इस्तीफा देंगी या प्रशांत किशोर कांग्रेस की नैया को पार लगा देंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय। और मृत्युंजय बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुक्रिया मृत्युंजय। मेरा पहला सवाल रहेगा कि कांग्रेस पार्टी की नैया को पार लगाने के लिए क्या प्रशांत किशोर की अब बड़ी भागीदारी हो सकती है या सोनिया को इस्तीफा देना ही पड़ेगा? राहुल, देखिए जिस तरह से एक चीज है कि प्रशांत किशोर का पार्टी में शामिल हो जाना या पार्टी के साथ काम करना, और दूसरी चीज है सोनिया गांधी का इस्तीफा होना। दोनों चीजों में बहुत फर्क है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आप अगर देखें कि जिस तरह से लगातार सोनिया गांधी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनमें वो बात नहीं रही जो पहले थी, और उसी की वजह से उनकी रणनीतियों में कमी है, पार्टी में कमी है, नेतृत्व में कमी है। और इसके बाद आप देखें कि जिस तरह सोनिया गांधी लगातार पार्टी को अभी तक आगे लेकर चल रही है, गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले सितंबर या अगस्त की बात हो सकती है कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी को कोई नया अध्यक्ष मिले, ऐसे खबरें लगातार सामने आ रही है राहुल। लेकिन नए अध्यक्ष के आने के बावजूद भी सोनिया गांधी अगर पार्टी से अलग हो जाती हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हो जाती है, तो क्या वहां पर वो तालमेल बैठ पाएगा? या जो लगातार प्रशांत किशोर खुद भी कह रहे हैं कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की ताकत है, वहां उनके साथ तालमेल ज्यादा बेहतर बैठेगा? ये चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फंसी हुई है और इन चीजों को सुलझाना ही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी उलझन है। तालमेल बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तालमेल कांग्रेस पार्टी के बीच अगर प्रशांत किशोर के बीच बैठ जाता है तो फर्क बहुत हद तक दिखता नजर आएगा। लेकिन सवाल मृत्युंजय ये भी है कि अब प्रशांत किशोर को जोड़ रहे हैं, अगर पांच राज्यों के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को अपने साथ कांग्रेस जोड़ लेती तो शायद पांच में से तीन राज्य में तो कांग्रेस सरकार बना सकती थी, जिनमें पंजाब उत्तराखंड तो फिक्स था, इसके अलावा गोवा और मणिपुर इनमें से एक हो सकता था। बिल्कुल राहुल, देखिए पंजाब इनमें फिक्स था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल अगर हम देखें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, सबसे पहली चीज देखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के चेहरे पर जहां चुनाव लड़े जा रहे हैं वहां पर बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्होंने प्रियंका गांधी को ज्यादा तवज्जो दी, प्रियंका गांधी को ज्यादा मौके देने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी पांचों मौकों में, पांच राज्यों के पांच चुनावों की बात मैं कर रहा हूं, और पांचों जगह फेल हो गई। देखिए प्रियंका गांधी एक अच्छी लीडर हो सकती हैं, लगातार उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का एक चेहरा बड़ा चेहरा बन चुकी है प्रियंका गांधी, लेकिन चेहरा बनने में और उस चीज को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत फर्क है राहुल, और यही फर्क कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है। और अगर प्रशांत किशोर को शायद पहले साथ लाया जाता तो शायद तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी, क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति कभी विफल रही नहीं है। प्रशांत किशोर को अच्छा रणनीतिकार माना जाता है और प्रशांत किशोर ने पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए रणनीतियां बनाई थी लेकिन वो विफल हो गई। 2017 में यूपी के लिए कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे थे लेकिन फायदा नहीं पहुंचा पाए। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कई बदलाव करने की जरूरत है। पहला कि पार्टी में आपसी कलह को खत्म किया जाए, दूसरा परिवारवाद को खत्म किया जाए, तीसरा प्रशांत किशोर जैसे सलाहकार को अपने साथ जोड़ा जाए। अगर ये तीन कदम कांग्रेस उठाती है तो जाकर पार्टी का भविष्य सुधरता नजर आएगा। अच्छा, पांच राज्यों से कितना सबक मृत्युंजय कांग्रेस पार्टी ने लिया है, और अगर लिया है तो क्या तैयारी हिमाचल और गुजरात को लेकर? राहुल देखिए पांच राज्यों से सबक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज ही अपने सोशल मीडिया सेल में बहुत बड़ा बदलाव किया है। 200 नए कार्यकर्ताओं को इसलिए जोड़ा गया है ताकि जितने भी फेक एजेंडाज उनके खिलाफ चलाए जाते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही जो पॉजिटिव साइड है पार्टी का वो जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। हमने देखा कि किस तरह, देखिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उनके एक्टिवनेस की वजह यही है कि वो अब पहले चुनावों से पहले ही अपने बेस तैयार करना शुरू कर देते हैं। इसी चीज का फायदा आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस पार्टी कभी इसलिए नहीं उठा पाती क्योंकि उनका सोशल मीडिया सेल बहुत कमजोर है और इसी को मजबूत किया करने की कोशिश इस बार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके साथ साथ आप एक चीज देखिए कि अभी से होने वाले, अभी मतलब इसी साल के अंत में होने वाले जो चुनाव है, गुजरात विधानसभा के चुनाव और हिमाचल के चुनाव,
वहां पर अभी से तैयारी करनी कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। लगातार आम आदमी पार्टी की कमियां गिनाई जा रही हैं, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, भारत बंद बुलाया जा रहा है पूरे देश में। तो लगातार कांग्रेस पार्टी मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है ताकि उसका फायदा अभी नहीं तो 6 या 10 महीने बाद चुनावों में मिल सके। अभी से मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जितना ज्यादा काम करती नजर आएगी, जितना ज्यादा बदलाव होगा पार्टी में, जितनी ज्यादा रणनीतियां बदली जाएंगी तो इसका बेहद बड़ा फायदा दिखता नजर आएगा। अच्छा, क्या लग रहा है मृत्युंजय, कांग्रेस को जो 5 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, कांग्रेस का भविष्य किस तरफ है? क्योंकि जिस कांग्रेस ने 70 साल राज किया आज उसी कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं कर रही है, आज वही कांग्रेस जनता को अपने भरोसे में नहीं ले पा रही है। राहुल देखिए, उसके कई वजह है। लगातार कांग्रेस पार्टी की छवि खराब होना, एक के बाद चुनावों में उनकी हार होना और कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व की कमी के साथ साथ कोई बड़ा चेहरा ऐसा ना होना जो विपक्ष, पूरे विपक्ष का चेहरा बन के उभर के सामने आ सके। क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, उनको आगे बढ़कर एक स्टैंड लेने की जरूरत है, उनको आगे बढ़कर बाकी दलों को अपने साथ रखने की जरूरत है, लेकिन वो काम अब ममता बनर्जी कर रही है। देखिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महाविपक्ष को बनाने की कोशिश कर रही है, तो यह पार्टी, ये काम कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए था लेकिन कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी जैसे समाजवादी पार्टी को इन चुनाव में फायदा क्यों हुआ, क्योंकि उन्हें छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और उनके साथ चुनाव लड़ा। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी को करने की जरूरत है कि महाविपक्ष बनाने की कोशिश करें ताकि आगे आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर सत्ता में वापसी करनी है तो यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी में बदलाव तो जरूरी है क्योंकि G23 के नेता भी काफी समय से यही कह रहे थे कि पार्टी में बदलाव होना चाहिए। क्या लग रहा है मृत्युंजय, G23 के जो नेता हैं जिनमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मनीष तिवारी, तमाम ऐसे नेता शामिल है, क्या जो नेता वो बात कर रहे थे पार्टी में बदलाव को लेकर, पार्टी में रणनीतियों को लेकर, क्या वो सही दिखता नजर आ रहा है? राहुल देखिए, पार्टी में लगातार बदलावों की मांग तो हो रही थी लेकिन अगर बदलाव पहले कर दिए जाते तो 2020 से G23 नेता लगातार चिट्ठियां लिखकर बदलावों की मांग कर रहे हैं। अगर पहले ही बदलाव किए जाते तो ये हालत आज कांग्रेस पार्टी की नहीं होती और ये हालत नहीं होती तो शायद और हालात बेहतर हो सकते थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई ये कहना G23 के नेताओं का। और लगातार वो दिल्ली में बने हुए हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी आला कमान से बात कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है ये तो वक्त ही बताएगा राहुल। ये वक्त ही बताएगा और देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी में क्या वाकई बदलाव होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह सिमटती चली जा रही है, आज कांग्रेस पार्टी को जिस तरह नुकसान हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए सही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है और कांग्रेस ने 70 साल राज कहकर जनता के मुद्दों को उठाया और यहाँ पर देखने को मिल रहा है मृत्युंजय कि कांग्रेस भले ही 5 राज्यों के चुनाव हार गई लेकिन मुद्दों को उठाने का मुद्दे जो उठा रही है उसको बंद नहीं किया, अभी भी बेबाक तरीके से मुद्दों को उठा रही है। देखिए राहुल, अगर देखिए हारी जरूर है लेकिन मुद्दों को उठाना कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है, अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो जनता के बीच में अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज कराएंगे आप बताइए मुझे। यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है लगातार बहुत लंबे वक्त से, उन्होंने उन्हीं मुद्दों को उठाया है और पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते रहे बहुत लंबे समय से, तो उसका फायदा हुआ है। मुद्दों को उठाना कहीं ना कहीं जनता की आवाज को उठाना नहीं है, उनकी अपनी जरूरत भी है, वरना अपनी जरूरत नहीं दिखाएंगे तो मौजूदगी खत्म हो जाएगी। मौजूदगी खत्म होने के आसार देखते नजर आ रहे हैं, हालांकि देखना होगा कि क्या अगला कदम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का रहेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।